बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, आज हमारा लेक्चर 7, चैप्टर हमारा 4, एक्सरसाइज 4.6। आज हमारा टॉपिक है रिलेशन बिटवीन द रूट्स एंड द कोफिशेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कि हमने ताल्लुक करना है रूट्स के बारे में और कोफिशेंट्स के बारे में। रूट्स क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो। अगर हमारी कोई इक्वेशन इस फॉर्म में दी हुई है तो उसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का नाम देते हैं। इसके हमने रूट्स जो है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के जो रूट्स होते हैं वो हमारे इक्वल होते हैं एक्स इज इक्वल टू नेगेटिव बी प्लस माइनस बी स्केयर फोर ए सी का स्केयर रूट ओवर टू ए। ये हमारे रूट्स आ गए, ठीक है। इसी तरह इसके जो कोफिशेंट होते हैं, कोफिशेंट जो है वो हमारे ए बी एंड सी जो है, ए बी सी को कांस्टेंट कहते हैं, ए बी को हम कोफिशेंट्स कहते हैं और इसको हम रूट्स कहते हैं। अब आपने इन दोनों के दरमियान जो है वो रिलेशन पढ़ना है, ताल्लुक पढ़ना है कि इनके दरमियान आपस में जो ताल्लुक है, रिलेशन है, वो क्या है। तो बेटा जी, हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के जो रूट्स हैं कि एक्स इज इक्वल टू नेगेटिव बी प्लस माइनस बी स्केयर फोर ए सी का स्केयर रूट ओवर टू ए। तो बेटा इसके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो ही रूट्स होते हैं। एक हमारे पास जो है, जैसे प्लस माइनस है, नेगेटिव बी प्लस बी स्केयर फोर ए सी का स्केयर रूट ओवर टू, और एक हमारे पास इसका जो रूट है वो आ जाएगा एक्स इज इक्वल टू नेगेटिव बी स्केयर फोर ए सी का स्केयर रूट ओवर टू ए। तो अब हमने इनका ताल्लुक पढ़ना है, तो ताल्लुक के लिए जो हमारा पॉजिटिव है उसको आप लेट कर लें, कि यहाँ पे पहले मेंशन कर लेते हैं कि लेट अल्फा बीटा बी दी रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो। तो इसके बेटा जो दो रूट्स आए हैं, एक नेगेटिव बी प्लस बी स्क्वायर फोर ए सी का स्क्वायर रूट ओवर टू ए है, और एक नेगेटिव बी स्क्वायर फोर ए सी का स्क्वायर रूट ओवर टू ए है। अगर बेटा अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं तो फिर ये जो रूट्स होंगे, एक आप लेट कर ले कि वो अल्फा के बराबर है, एक आप लेट कर ले वो बीटा के बराबर है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स हैं, एक हमारा पॉजिटिव में है, एक हमारा नेगेटिव में है। हमने ये लेट किया है, सपोज किया है, अगर अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं, मतलब दो रूट्स हैं, एक अल्फा है और एक बीटा है। पॉजिटिव को हमने अल्फा लेट कर लिया है और नेगेटिव को हमने बीटा लेट कर लिया है। इसको आप इक्वेशन वन का नाम दे दें, ठीक है। इसको आप इक्वेशन जो है वो टू का नाम दे दें। अब ऐड कर दें, एडिंग इक्वेशन वन एंड टू के अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू नेगेटिव बी प्लस बी स्केयर फोर ए सी का स्केयर रूट ओवर टू ए, एंड इसमें प्लस कर दें नेगेटिव बी स्केयर फोर ए सी का स्केयर रूट ओवर टू ए। तो हमारे पास आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू नेगेटिव बी प्लस बी स्केयर फोर ए सी टू ए नेगेटिव बी स्केयर फोर ए सी
स्क्वायर रूट ओवर 2a, पर 2a एलसीएम में आ जाएगा, 2a 2a से 2a कैंसिल, तो नेगेटिव b प्लस बी स्क्वायर 4ac, नेगेटिव बी स्क्वायर 4ac का स्क्वायर रूट आ जाएगा, तो इसमें हमारा कैंसिल हो जाएगा, ये से कैंसिल हो जाएगा, तो नेगेटिव b और नेगेटिव b बच जाएगा ओवर 2a, तो ये आ जाएगा नेगेटिव 2b ओवर 2a, a 2 2 से कैंसिल, तो नेगेटिव b ओवर a आ जाएगा, तो अल्फा प्लस बीटा हमारा नेगेटिव b ओवर a आ जाएगा। तो इसको हम सम से रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि ये आपस में ऐड हो रही हैं, तो ये एक हमारा रिलेशन आ गया, ये हमारा रूट्स का और ये हमारा कोफिशिएंट का, इसको हम कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ x और इसको कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, ठीक है। सी हम कहते हैं कांस्टेंट टर्म, और हमारे पास ए जो है वो हमारे पास होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स के, तो ये हमारे रिलेशन आ जाएंगे कि प्रोडक्ट जो है वो सी ओवर ए के बराबर होता है और इसका जो सम है वो नेगेटिव बी ओवर ए होता है, तो ये हमारा रिलेशन हमने डिस्कस कर लिया है बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ये रूट्स आ जाएंगे और ये उनके कोफिशिएंट्स आ गए, ये रूट्स आ जाएंगे और ये उनके कोफिशिएंट्स आ गए, हमने सम भी कर लिया है और प्रोडक्ट भी कर लिया है। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन जो एक्सरसाइज 4.6 है, एक्सरसाइज 4.6 क्वेश्चन हमारे पास फर्स्ट है, इफ अल्फा बीटा आर दी रूट्स ऑफ 3x स्क्वायर नेगेटिव 2x प्लस 4 इक्वल 0, फाइंड वैल्यूज ऑफ, इसका सारे क्वेश्चन एक ही तरह के, इसका जो एक पार्ट हम कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास 1 ओवर अल्फा स्क्वायर 1 ओवर बीटा का स्क्वायर। अच्छा बेटा, यहाँ पे कहते हैं क्वेश्चंस में कि अगर हमारे पास अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, अगर अल्फा और बीटा इस इक्वेशंस के रूट्स हैं, तो आपने वैल्यूज फाइंड करनी है गिवन फैक्टर के, तो पहले आप उसके हम रूट्स निकाल लेते हैं, 3x स्क्वायर 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, तो इसमें बेटा अगर हम इसको कंपेयर करते हैं जनरल इक्वेशन के साथ, कंपेयरिंग विद जनरल इक्वेशन, तो हमारे पास a को कंपेयर करेंगे तो वो 3 आ जाएगा, b नेगेटिव 2 आ जाएगा और c क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो हमने क्या करना है, इसके पहले तो रूट्स निकालने हैं जी, ये फार्मूला हमारा बन जाता है a प्लस बी होल का स्क्वायर, 2ab को ऐड करें, लेकिन अगर हमने खुद से 2ab को ऐड करना हो तो फिर हमने उसको माइनस भी करना होता है, ठीक है। तो ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2ab, तो ये आ जाएगा हमारे पास, चलें आगे वाला स्टेप आगे कर लेंगे लेकिन इसको क्लोज कर लेते हैं यहाँ पे, तो ये बन जाएगा हमारा फार्मूला ये वाला, तो ये a प्लस बी होल का स्क्वायर हो जाएगा, नेगेटिव 2 अल्फा बीटा हो जाएगा और इसके नीचे आ जाएगा हमारे पास अल्फा स्क्वायर और बीटा का स्क्वायर आ जाएगा। अब हमारे पास आ गया कि 1 ओवर अल्फा स्क्वायर प्लस 1 ओवर बीटा का स्क्वायर इज इक्वल है 1 प्लस बीटा होल का स्क्वायर नेगेटिव 2 अल्फा बीटा और इसके नीचे आ जाएगा अल्फा स्क्वायर और बीटा का स्क्वायर। अब हम इनकी वैल्यूज पुट कर लेते हैं कि, या हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा होल का स्क्वायर नेगेटिव 2 अल्फा बीटा, ये डिवाइड हो रहा है तो इसको डिवाइड फॉर्म में अल्फा प्लस बीटा ऐसे भी स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है।
तो सम की वैल्यू दी हुई है 2/3, और प्रोडक्ट की दी हुई है 4/3। आगे डिवाइड 4/3 और इसके होल का स्केयर, 2 का स्केयर 4, 3 का स्केयर 9, 4 2 8/3। अब यहाँ पे 4 का स्केयर 16, 3 का स्केयर 9 आ जाएगा, तो इसका एलसीएम 9, 9 9 सेकंड्स, दिए 4। आगे 3 3 से 3 3 इज़ 9, 8 3 इज़ 24, और मल्टीप्लाई 9/16 आ जाएगा। 4 में से 24 को निकालेंगे तो 20 आ जाएगा, नीचे 9, और ये आ जाएगा 9/16। 9 9 से कैंसिल हो जाएगा तो नेगेटिव 20/16 आ जाएगा। आगे 4 4 16, 4 5 20, 5/4, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। इस तरह आपने क्वेश्चन इसका 1 जो है वो करना था। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, बाकी पार्ट्स आप करिएगा, आसान है, मुश्किल नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन हमारे पास इसका जो 2 है उसमें इफ़ अल्फा बीटा आर, और अल्फा को बीटा से करेंगे तो अल्फा बीटा आ जाएगा। अब बेटा हमने वैल्यूज़ पुट करनी है 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमने निकाली है, ये है हमारा पी प्लस, और अल्फा बीटा की है नेगेटिव पी नेगेटिव सी, मतलब हमने प्रोडक्ट की जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर दी है, सम की जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर दी है। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस पी, ये पॉजिटिव नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेगा नेगेटिव पी आ जाएगा, और ये नेगेटिव सी आ जाएगा। 1 पी इस पी से कैंसिल, तो ये नेगेटिव सी आ जाएगा, इक्वल टू क्या आ जाएगी, राइट हैंड साइड, ठीक है। इस तरह हमारा ये क्वेश्चन कम्प्लीट हो गया। आसान है, मुश्किल नहीं है क्वेश्चन ये सारी। क्वेश्चन हमारा जी सी हमारे पास क्यू है, और ए हमारे पास क्या आ जाएगा 1, तो इसमें क्यू आ जाएगा इसकी कॉल। अब उसने जो कंडीशन दी हुई है वो क्या है, चलो इसकी थर्ड कंडीशन हम डिस्कस कर लेते हैं। थर्ड में ये है कि एडिटिव इनवर्स ऑफ अदर, एडिटिव जो है इनवर्स ऑफ अदर। अब इसमें हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा कि एक अगर हमारे पास अल्फा है तो दूसरा हमारे पास क्या है बीटा, ही दो रूट्स होते हैं, लेकिन इसमें हमने कंडीशन लेनी है, फाइंड द कंडीशन डेट वन रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन इज एडिटिव इनवर्स ऑफ अदर, मतलब एक रूट ही हमने लेना है दोनों कंडीशंस के अंदर। मीन क्या है, जो अल्फा बीटा होगा वो भी हमारा अल्फा ही होगा, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे वन रूट्स की बात की। रूट्स हमारे दो होते हैं, एक हमारा अल्फा होता है और एक हमारा क्या होता है बीटा होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे उसने कंडीशन दी है एक रूट की, तो हमने बीटा नहीं लेना, हमने अल्फा ही लेना है, मतलब जो दूसरा रूट होगा वो भी क्या होगा, अल्फा ही होगा। एडिटिव इनवर्स का मतलब ये होता है कि एक रूट दूसरे का एडिटिव इनवर्स है, तो दूसरे का अगर ये एडिटिव इनवर्स है तो एडिटिव इनवर्स का मतलब होता है उसके साइन को चेंज करना होता है, रिप्लेस करना होता है, ठीक है। जैसे नेगेटिव अल्फा है, मतलब क्या है, एक हमारा अल्फा होगा और दूसरा क्या होगा नेगेटिव अल्फा, इसका मतलब होता है एडिटिव इनवर्स। अगर एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, या एक नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव है, तो उसको हम एडिटिव इनवर्स कहते हैं, ठीक है। तो हमने बीटा यहाँ पे क्यों नहीं लिया, उसकी कंडीशन ये थी कि वन रूट्स जो है, ठीक है, एक रूट को ही हमने यूज़ करना दोनों फॉर्म के अंदर, ठीक है। तो इसका हम सम फाइंड कर लेते हैं, सम ऑफ रूट्स जो है, सम मीन एस, ये आ जाएगा हमारे पास अल्फा प्लस बीटा होता है, तो अल्फा प्लस, अब प्लस बीटा करना है तो नेगेटिव अल्फा आ जाएगा, ठीक है। और ये हमने निकाला है सम, क्या निकाला है, नेगेटिव पी के, मतलब ये नेगेटिव पी के बराबर है, तो इसका मतलब ये होगा अल्फा प्लस नेगेटिव अल्फा इज इक्वल टू नेगेटिव पी, अल्फा अल्फा से कैंसिल, तो पी आ जाएगा हमारे पास 0 इक्वल, ठीक है, तो पी आ जाएगा हमारा 0।
और यही हमारे पास इसकी जो गिवन कंडीशन है वो आ जाएगी। अगर हम इसका प्रोडक्ट लेते हैं, प्रोडक्ट जो है वो होता है अल्फा और नेगेटिव अल्फा, तो ये होता है सी ओवर ए, तो ये हो जाएगा नेगेटिव अल्फा स्क्वायर। सी ओवर ए को निकाला हमने क्यू को, तो इसमें से हमारे पास वो वैल्यूज नहीं आएंगे, तो इसको हम इग्नोर कर देंगे। ओनली वैल्यू जो कंडीशन है वो हमारे पास पी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। इस तरह आगे मैं आपको बता देता हूँ कि जो थ्री की इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो भी मैं आपको मतलब डायग्राम बना देता हूँ, इसका जो क्वेश्चन करना किस वजह से है, डबल दी अदर उसमें क्या है कि एक हमारा अल्फा है दूसरा भी अल्फा है, लेकिन वो अल्फा का स्केल है वो डबल दी अदर वाला। इसका जो सेकंड है स्क्वेयर ऑफ अदर, स्क्वेयर डबल सॉरी टू अल्फा, डबल हमने करना, स्क्वेयर तो डबल ये स्क्वेयर होता है ना, सॉरी मिस्टेक होगी, डबल अदर का मतलब होता है यहाँ पे टू के साथ है, स्क्वेयर ऑफ अदर, तो एक अल्फा और एक अल्फा का स्क्वेयर है। तो इसका फोर्थ जो पार्ट है वो क्या है, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ अदर। मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स का मतलब होता है कि एक हमारे पास अल्फा है दूसरा वन ओवर अल्फा है, ठीक है, तो इनका अपने सम और प्रोडक्ट निकाल कर उनकी वैल्यूज फाइंड कर लेनी है, ठीक है। तो इस तरह हमारे पास ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन हमारे पास फोर में जो है, इफ़ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन डिफर बाय यूनिटी, डिफर बाय यूनिटी का मतलब होता है एक हमारे पास अल्फा है और एक हमारे पास अल्फा नेगेटिव वन है, सेम इस तरह आपने ये खुद करना है, ठीक है, अल्फा और एक अल्फा नेगेटिव वन है। क्वेश्चन जो फाइव है इसको पहले आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में मतलब चेंज करना है, जैसे 4.1 में आपने किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद रूट्स जो है इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन साइन, मतलब मैग्नीट्यूड के लिहाज से जो है वो क्या है, इक्वल हैं, अपोजिट साइन है, ये वाला है इसका थ्री पार्ट। जैसे हमने इसमें किया है ना अभी, एक अल्फा और एक अल्फा नेगेटिव लिया है, तो इसमें भी आपने एक अल्फा लेना है और एक नेगेटिव अल्फा लेना है, ठीक है, तो ये भी आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन सिक्स हमारे पास इसमें है कि इफ़ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशंस दी हुई हैं अल्फा बीटा हों तो आपने ये प्रूव करना है, तो ये ईजी है, ये कर लेते हैं, ईजी भी है और इम्पोर्टेंट भी है कि सिक्स हमारे पास क्या है कि इफ रूट्स ऑफ पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो और अल्फा एंड बीटा देन प्रूव डैट प्रूफ क्या करना है, अल्फा ओवर बीटा का स्क्वायर रूट, बीटा ओवर अल्फा का स्क्वायर रूट, क्यू ओवर पी का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू क्या है, जीरो है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं कि पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो है, तो इसमें बेटा ए हमारे पास वन आ जाएगा, बी हमारे पास क्यू आ जाएगा और सी हमारे पास क्या आ जाएगा, सी ही होगा, सॉरी सी इसमें पी क्यू और यहाँ पे क्यू ही है, क्यू आ जाएगा। तो इसमें सम ऑफ रूट्स जो है सम अल्फा प्लस बीटा वो नेगेटिव बी ओवर ए होता है, क्योंकि अल्फा बीटा उसके रूट्स हैं, ठीक है, अगर अल्फा बीटा उसके रूट्स हैं तो फिर अल्फा प्लस सम उसका आ जाएगा बी ओवर ए नेगेटिव, तो नेगेटिव बी हमारे पास क्यू है और ए हमारे पास वन है, तो ये नेगेटिव क्यू आ जाएगा। और इसका प्रोडक्ट अल्फा बीटा होता है तो वो है सी ओवर ए, सी इसमें क्यू आ जाएगा और ए इसमें वन आ जाएगा, तो ये आ जाएगा क्यू की इक्वल आ जाएगा। तो हमारे पास प्रूव करना है
टू प्रूव, प्रूव अल्फा ओवर बीटा, बीटा ओवर अल्फा, क्यू ओवर पी इक्वल जीरो। अब आप इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लें, वो हमारी है अल्फा ओवर बीटा, बीटा ओवर अल्फा, क्यू ओवर पी, इस इक्वल टू आपने ज़ीरो लेके आना है इसको, ठीक है। आप ये साइड सिर्फ इसको आपने पहले यूज़ करना है, ठीक है, एलसीएम लेना है। तो कैसे, जजर दोनों का है ना स्क्वायर रूट, तो हम अल्फा का ऊपर कर लेते हैं, बीटा का नीचे कर लेते हैं, मतलब अलग अलग दोनों का लिख लेते हैं, इधर बीटा का कर लेते हैं, इधर अल्फा का कर लेते हैं। अब ये देखें, इसका एलसीएम आ जाएगा एक अल्फा भी और एक बीटा भी, इसका भी जजर आ जाएगा, इसका भी जजर आ जाएगा। अब बीटा जजर, बीटा जजर से ख़त्म हो जाएगा, पीछे अल्फा का जजर आ जाएगा, स्क्वायर रूट अल्फा का स्क्वायर रूट, अल्फा के स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई करेगा तो सिंपल अल्फा आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि स्क्वायर रूट की वैल्यू हाफ होती है, हाफ को हाफ में ऐड करेंगे तो वन आ जाता है। तो अल्फा का जजर खत्म पीछे बीटा का, तो बीटा स्क्वायर रूट, बीटा स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई करेगा तो बीटा आ जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास सम क्या दिया हुआ है, नेगेटिव क्यू, और प्रोडक्ट का जजर दोनों का है ना, तो हम दोनों का प्रोडक्ट हमारे पास क्यू है, तो वो Q का यहाँ पे आ जाएगा, जजर आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक कि A हमारा P है, सॉरी यहाँ पे, तो यहाँ पे Q ओवर P और यहाँ पे भी Q ओवर P है, Q ओवर P, तो ये भी Q ओवर P आ जाएगा, ठीक है, आगे आ जाएगा Q ओवर P इक्वल टू, इक्वल तो हमने करना है जी बेटा। अब हमारे पास इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो आ जाएगी नेगेटिव क्यू ओवर पी, और इसके नीचे आ जाएगा क्यू ओवर पी का जजर, क्यू ओवर पी का जजर। अच्छा, हमने ये पढ़ा हुआ है कि जब कोई भी वैल्यूज इस फ्रैक्शन से ऊपर लेके जाएं या ऊपर से नीचे लेके आए, तो उसकी जो पावर होती है, पॉजिटिव हो तो नेगेटिव हो जाती है, नेगेटिव हो तो पॉजिटिव हो जाती है। तो इसको हम ऊपर लेके जाएंगे, जजर की कीमत होती है एक बटा दो, तो इसका मतलब है Q ओवर P, इसकी पावर आ जाएगी नेगेटिव वन बाई टू, ठीक है, प्लस ये Q ओवर P आ जाएगा, तो नेगेटिव Q ओवर P, इसकी पावर वन, ठीक है, इसकी नेगेटिव वन बाई टू है, तो दोनों की बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, मतलब हम वन में ऐड कर देंगे वन बाई टू, नेगेटिव क्यू ओवर पी, वन बाई टू में से वन बाई टू को, वन में से वन बाई टू को निकाल दें तो इसका आंसर वन बाई टू आ जाएगा, और जजर की कीमत आपको पता है वो भी वन बाई टू ही होती है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो इक्वल टू क्या आ जाएगा, जीरो, इक्वल टू राइट हैंड साइड आ जाएगी, ठीक है। इस तरह ये हमने क्वेश्चन करना था। आगे हमारे पास क्वेश्चन जो सेवन है, सेवन में अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, फॉर्म इक्वेशन होज रूट्स आर, मतलब हमने इससे एक नई इक्वेशन निकालनी है, नई इक्वेशन अगर हमने रूट से निकालनी हो तो उसके लिए हमारे पास फार्मूला होता है, फॉर्मेशन ऑफ द इक्वेशन होज रूट्स आर गिवन के एक्स स्क्वेयर नेगेटिव एस एक्स प्लस पी इज इक्वल जीरो। तो इस फार्मूले को लगा के आप नई इक्वेशन, मतलब रूट से एक नई इक्वेशन निकालनी है, ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास क्वेश्चन हम करते हैं कि हमारे पास सेवन क्वेश्चन जो है, इफ अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, तो हमारे पास क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, मतलब इसका जो सम है नेगेटिव बी ओवर ए, जनरल फॉर्म में ही है तो वही आएगा, अल्फा बीटा सी ओवर ए ही आएगा। हमने इक्वेशन निकालनी है, किससे निकालनी है, क्वेश्चन पार्ट वन कर लेते हैं, अल्फा स्क्वायर और बीटा का स्क्वायर। अब जो रूट्स दी है ना, इससे आपने एस निकालना है और पी निकालना है, ठीक है,
तो एस के लिए हमारे पास फार्मूला होता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर, मतलब रूट्स का सम, जो रूट्स दिए हैं इनका आपस में सम कर देना है। ये रूट्स इस इक्वेशन के तहत हमने नेगेटिव बी और ए फार्मूला लगा लिया। अब ये रूट्स दो दिए हैं, ठीक है, तो हमने इनका सम करना है, तो मतलब ये तो वही फॉर्म बन गई, इसका भी आपने होल का स्क्वायर करना है, तो ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस टू अल्फा बीटा कर देंगे, नेगेटिव टू अल्फा बीटा कर देंगे, तो ये अल्फा प्लस बीटा होल का स्क्वायर हो जाएगा, नेगेटिव टू अल्फा बीटा आ जाएगा। अच्छा, सम हमारे पास क्या है, नेगेटिव बी ओवर ए, तो ये नेगेटिव बी ओवर ए इसका स्क्वायर आ जाएगा, ए बी हमारे पास आ जाएगा सी ओवर ए, तो ये आ जाएगा नेगेटिव बी का स्क्वायर और ये ए का स्क्वायर, टू सी ओवर ए, तो इसका एलसीएम आ जाएगा ए स्क्वायर, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये बी का स्क्वायर, ए से ए पीछे ए, टू ए से ये आ जाएगा सम जो है। इस तरह रूट्स का अपना प्रोडक्ट लेना है, प्रोडक्ट के लिए हमारे पास आ जाएगा अल्फा स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे बीटा स्क्वायर के साथ, अल्फा बीटा का स्क्वायर आ जाएगा, प्रोडक्ट हमारे पास सी ओवर ए दिया हुआ है, तो ये आ जाएगा हमारे पास सी स्क्वायर ओवर ए का स्क्वायर। फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन, ऑफ इक्वेशन तुम्हारे पास फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर एस एक्स प्लस पी इक्वल टू जीरो। एस होता है सम ऑफ द गिवन रूट्स और पी होता है प्रोडक्ट्स ऑफ द गिवन रूट्स। अब एक्स स्क्वायर नेगेटिव, एस हमने अभी फाइंड किया है, एस हमारे पास क्या है, बी स्क्वायर नेगेटिव टू ए सी ओवर ए स्क्वायर, बी स्क्वायर नेगेटिव टू ए सी ओवर ए स्क्वायर, और पी हमारे पास आया है सी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर। अब ए जो है वो मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं दोनों के साथ, बाय मल्टीप्लाई ए स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो ये ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेगा तो ए एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ए बी स्क्वायर टू ए सी और साथ एक्स आ जाएगा, ए कैंसिल इसका हो जाएगा और ये सी इक्वल टू क्या जाएगा देगा, तो ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, इस तरह आपने बाकी भी क्वेश्चन करने हैं, उससे सम और पी निकाल के और वैल्यूज पुट करते जाना है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन सेवन में है, इफ़ अल्फा बीटा आर द रूट्स फॉर्म इक्वेशन। इसमें भी आपने अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा निकालना है, तो उसके बाद आपने जो रूट्स दिए हैं सेम ये इस तरह क्वेश्चन हैं, सेवन एट नाइन एक तरह के, तो इस तरह आपकी एक्सरसाइज 4.6 कम्प्लीट हुई। ओके, अल्लाह हाफिज़।